अभी हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के पास जाएंगे, फिर उस पर राजेश महापात्रा जी का। लक्ष्मण यादव, ये जो जातियों के गठबंधन की बात की जा रही है, क्या ये वाकई में एक बड़ा पोटेंट फोर्स या फैक्टर होकर इमर्ज करने जा रहा है? क्या महानदल की इतनी ताकत है, या जो छोटी छोटी जातियां जो समाजवादी पार्टी ने इकट्ठा की, क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो मूव करेंगी तो उनके साथ का साथ पूरा सामाजिक बेस भी उनके साथ मूव कर जाएगा? मुझे लगता है कि इस सवाल पर ही उत्तर प्रदेश के जो चुनाव का परिणाम है वो बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि इतना तो तय हो गया है कि इस दौर में फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के अहम मसले पर हो रहा है और धर्म का मसला बहुत चाहने के बाद भी नहीं हो पाया। अब जाति के भीतर जो दिख रहा है वो दो किस्म की बहस है। एक पर बात कम हो रही है, उसकी अलग वजह है, वो है बीएसपी का जो वोट बैंक है, जिसमें एक बड़ा बड़ी तादाद, और खासकर जब तीसरे चरण की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां भी ठीक बात है कि 2017 में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें जीती, लेकिन आपके ही दिखाए आंकड़े को मैंने भी देखा था तो उसमें मुझे ये दिखा कि 2012 में बीजेपी इस पूरे हिस्से में 10 से 15% के बीच ही रह गई, जबकि सपा 32% गई और बसपा 26% तक वोट शेयर गेन करती है। 2017 में जो 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 आंकड़ा है वह भी बसपा का बहुत तेजी से नहीं गिरता है। कई बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस समय हो ये रहा है कि बसपा के केंद्रीय नेतृत्व की शिथिलता जो दिख रही है उसके चलते हम उसे कमजोर आंक रहे हैं। मुझे लगता है कि यह शायद कहीं एक अंडर एस्टिमेट करने की बात ना हो। तो एक खेमा है जिसकी बहस में जाटव वोट तो एक एक मुश्त बसपा के पास जा रहा है, लेकिन गैर जाटव वोट में एक बहुत बड़ी तादाद पासी वोटर हैं, सोनकर हैं, तमाम लोग जो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए थे, वहां भी एक नाराजगी है। दूसरी तरफ जो सपा गठबंधन है उसमें बेशक अखिलेश यादव कोशिश ये कर रहे हैं कि लोहियावाद यानी समाजवाद के साथ अंबेडकरवाद को जोड़ करके एक बड़ी एका बनाने के की बहस खड़ी की जाए, लगातार वो अपने भाषणों में कर रहे हैं, उनको लोग भेज दे रहे हैं। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनके सामने आ रही है, ये सब कोशिश है। अखिलेश यादव की कोशिश पिछड़े वोट बैंक में दलित वोट बैंक को साथ लेने की है, लेकिन एक एक चूक जो दिख रही है कि दलितों का कोई वैसा बड़ा नेता शायद अखिलेश यादव के पास उस तरह से दिखाने को नहीं है जितना बड़ा नेता महान दल के केशव देव मौर्य, पूर्वांचल में चलेंगे तो ओम प्रकाश राजभर, धर्मपाल सैनी, तमाम और कश्यप नेता, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी थे। तो और इस एक बड़ी एका के बीच कोशिश यही है सपा गठबंधन की कि वो उन सारे वोटर्स का, क्योंकि अगर ओबीसी का पूरा अगर डेटा एनालिसिस करें तो 52%, और दिलचस्प है कि 1930 के बाद जात जनगणना नहीं हुई, आप तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर जात पर बहस हो रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं जात जनगणना कराएंगे, तो उस 52% में तकरीबन 40% ओबीसी की वे जातियां हैं जिन्हें अमूमन कमजोर समझा जाता है और उनमें बीजेपी ने सेध लगाई थी। तो मेरी समझदारी ये कह रही है पूरे परिदृश्य को देख करके कि सपा गठबंधन की कोशिश ये है कि रोहिलखंड का बेल्ट हो, और बड़ा ठीक बात कही है शीतल जी ने, आलू बेल्ट यानी किसान से जुड़ा हुआ मसला है। कानपुर की बात को लेकर के मेरी मैंने जो 2-3 दिन में देखा है, कानपुर में अखिलेश यादव के रोड शो में सबसे ज्यादा भीड़ हुई, तो मुझे लगता है कि कानपुर में भी कुछ सीटों पर असर इसका होगा। पिछड़ी जातियों के केवल नेता नहीं आए हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे इसी तीसरे चरण में स्वामी प्रसाद मौर्य की जनसभा में अपार समूह आया था। अब ठीक बात देख रहे हैं कि गृह मंत्री की रैली में लोग नहीं आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ बीजेपी से नाराज जो खेमा है वो इन जातियों में भी है, क्योंकि आखिरी बात यह है कि इन जातियों को बीजेपी ने जो कहकर के अपने साथ लिया था पिछले 5 साल में, इनको हासिल कुछ नहीं हुआ, नुकसान इनका सबसे ज्यादा हुआ है। तो वापस मुझे लगता है कि नेता ही नहीं आए हैं, पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के लोग एक बड़ी तादाद में बीजेपी से नाराज हैं, जिसका फायदा इस बेल्ट में शायद इस बार सपा गठबंधन को हो सकता है। पर डॉक्टर लक्ष्मण, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज इसलिए हो गया हूँ क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा कि भाई एंटी इनकमेंसी जो जो प्राइस राइज है, बेरोजगारी के सवाल है, खेती किसानी का सवाल है, वो दुर्भाग्य से जातियों के समीकरण में उलझ जाता है और वो मुद्दे उस तरीके से नहीं बन पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि इस इलाके में जो कम्युनल पोलराइजेशन है वो नहीं हो रहा है।
अगर कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हो रहा है और छोटी जातियां भारतीय जनता पार्टी से दूर हट रही हैं, तो क्या उसका इकोनॉमिक आधार है या कुछ और आधार है? उसका कारण तो यही होगा बिल्कुल आपको। जी जी मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अभी भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला देश असल में, और खासकर उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूं, जब भी जाति सामने आती है बहस के केंद्र में, तो वो बहुत बायस करके हम उसे देखते हैं। अमूमन जाति पर बहस होते होते ये बहस उस दिशा में चली जाती है कि गोया हम कोई बहुत गैर जरूरी या अनपेक्षित बहस कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये है कि उन उन सभी इलाकों में, चाहे वो दक्षिण भारत हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, या उत्तर भारत हो, जहां जातियों ने अपने लगातार हुए अन्याय के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई, वहां वहां ये बहस केंद्र में रही है। उत्तर प्रदेश उन्हीं में से एक ऐसा इलाका है जो लंबे वक्त से सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों व प्रतिरोध की जमीन रहा है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या, मथुरा, काशी, इन तीनों के होने के चलते उत्तर प्रदेश, और दूसरा उत्तर प्रदेश के जातीय अनुपात को देखें अगर, उसके चलते यह धार्मिक तौर पर भी एक सांप्रदायिक राजनीति की उर्वर जमीन भी रहा है। कोशिश दोनों किस्म की गई है, जिसे हम मंडल की लड़ाई कहते हैं। पश्चिम दक्षिण में डीएमके और तमाम लोगों को देखें तो वो एक जमीन रही है, लेकिन उत्तर भारत में यूपी और बिहार में वो मजबूती से लड़ाई लड़ी गई। दूसरी तरफ उसी दौर से सांप्रदायिक राजनीति भी लगातार इसी इलाके में पांव पसारती जा रही है। अब अगर हम आज 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखें, तो यह बात तो बहुत सुकून देने वाली है। हम अपने पूर्व के साथी से बिल्कुल सहमत होते हुए यह बात कह रहे हैं कि 2014 के बाद से देश भर में सियासी माहौल इस कदर बनाया गया कि राष्ट्र धर्म इन दोनों पर ही सारे चुनाव लड़े जाएंगे। दिल्ली का चुनाव या बंगाल के चुनाव को थोड़ा बहुत अलगा दें, कोशिश वहां भी की गई, खूब की गई, करंट लगाने से लेकर बंगाल के सांप्रदायिक तनाव तक, उस पूरी कोशिश का यहां भी हमने फल देखा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तीनों के भाषण और बयान देखे हैं, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वह सांप्रदायिक धरातल नहीं बन पाया। नंबर एक बात, अगर ये नहीं बन पाया है तो पूरे देश की सियासत के लिए खूबसूरत बात है। अब दूसरी बात, अगर इसका अल्टरनेट देखें तो पॉलिटिकल ग्राउंड कास्ट बेस्ड है। अब मेरी टिप्पणी ये है, मेरी समझदारी ये कहती है कि जब जाति राजनीति के केंद्र में है, और जिसे आप पिछले बातचीत में अभी कह रहे थे, मंडल मंडल नए रूप में आ रहा है, और दूसरे साथी ने कहा कि नियो मंडल एरा है, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल नियो मंडल एरा है, क्योंकि मंडल के दौर में तो पहली बार ये सारी जातियां गोलबंद हुई थी कि आजादी के 5 दशक बीतने के बाद भी हमें सत्ता, संसाधन व हिस्सेदारी तीनों से वंचित रखा गया, तो वो एक अलग फेज था। उस मंडल एरा के भी 3 दशक बीत चुके हैं, और 2017 का चुनाव तो उन्हीं नाराजगियों, असंतोष, मोहभंग के आधार पर लड़ा गया था। तमाम तरह के झूठे प्रोपोगेंडा फैलाए गए थे दलित पिछड़ी जातियों के बीच कि आपका हक किसी ने मार लिया, हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो 17 का चुनाव भी जाति की जमीन पर लड़ा गया था, यह हमें नहीं भूलना चाहिए, वहां उन सारी जातियों को गोलबंद किया गया था। अब इस चुनाव में क्या हो रहा है, आखिरी बात, इस चुनाव में हो ये रहा है कि दो तरफ से ये जातियां व्यवहार कर रही है, और मैं इसमें कहीं से गुरेज नहीं मानता। ये खूबसूरत बात है कि हर जाति के भीतर एक राजनीतिक चेतना पैदा हुई है, वह अपनी उस 17 के वादे के टूटने के नाराजगी से भी लैस है। दूसरी तरफ जो भरोसा दिलाया गया था वो मिला नहीं, जिन्होंने उनसे जाति के नाम पर वोट लिया था वो फिर ये नारा लगाने लगे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कहराना हिंदू मुसलमान, गर्मी निकाल देना, ये सब हुआ। बुलडोजर किसके घर पर चले, किससे वसूली हुई है, एनकाउंटर किसका हुआ है, वो वही वंचित जातियां हैं जो मंडल की एरा में एकजुट हो रही थी। और मंडल का एरा केवल ओबीसी का नहीं था, ओबीसी एससी सब मिलकर के मंडल के एरा में लड़ा। आखिरी बात ये कि उस नाराजगी के साथ जो जुड़ा है वो पेट्रोल का दाम भी जुड़ा है, केरोसिन तेल, सरसों का तेल, खेत में सांड या फसलों का मुआवजा न मिलना, नौकरी में भेदभाव, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे आर्थिक हैं। सामाजिक और आर्थिक असंतोष मिलकर के
उत्तर प्रदेश में जनता को वहां खड़ा किए हुए है कि वो केवल जाति देखकर वोट नहीं कर रही है, वरना सपा गठबंधन और बसपा इन दोनों पर तो आरोप लगाया जाता है जातिवादी राजनीति, तो सपा बसपा करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी तो जातिवादी राजनीति करती नहीं, लेकिन इन्होंने भी हर जाति के लोगों को टिकट दिया है, हर जगह टिकट में वैरायटी है। तो मुझे लगता है आशुतोष जी की ये दोनों चीजें मिल करके जनता के व्यवहार में दिख रही है, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा का भी संघर्ष है जो मंडल या नियो मंडल जो भी आप कह लें, और आर्थिक सवाल भी उसमें शामिल है, नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनको महंगाई से दिक्कत है, उनको किसानी में जो दिक्कत हुई है उससे चिंता है, ये दोनों नाराजगियां मिलकर एंटी बीजेपी माहौल बनाए हुए हैं। और तीसरे चरण में जो होगा वो चौथे पांचवें चरण में थोड़ा बढ़ेगा और छठे और सातवें चरण में बहुत ज्यादा होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी आपको आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मेरी टिप्पणी पहली तो ये है कि पूरा जो कास्ट डिस्कोर्स है, जिसे हम लोग आसान भाषा में सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, वह असल में एक सामाजिक आर्थिक लैंगिक न्याय का विमर्श है। यानी जब भी कोई जाति अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है, प्रतिरोध करती हुई नजर आती है, तो वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध तो होता ही है कि आप एक कल्चरल हेजमनी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके कोर में इकोनॉमिकल इश्यू होते हैं। और खासकर जब हम 90 के बाद के नियो लिबरल पॉलिसीज के दौर में बात कर रहे हैं, तो सारी लड़ाई जातियां जो लड़ रही हैं वो आर्थिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। जगदेव बाबू कहते थे कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। तो एक तो बात ये कि इकोनॉमिकल इश्यू सोशल जस्टिस के साथ इंक्लूड है। दूसरा सवाल जो आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि क्या हिंदुआइजेशन की जो 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 थ्योरी गढ़ी गई है क्या वो फेक है? मेरा इस पे एक कहना यह है आशुतोष जी कि असल में हिंदुत्व का जो नरेशन है वो रियल नहीं है, वो वेग एंड फेक है। क्यों ऐसा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्हें वो 80% हिंदू बनाने की बात कहते हैं, वो लोग ही कभी ये कबूल नहीं कर पाते कि पिछड़ा हिंदू है, दलित हिंदू है, आदिवासी हिंदू है। अगर ऐसा होता तो जहां जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी उनकी परिभाषा के हिंदू बन गए, उन्हें वो आरएसएस का प्रमुख बनाते, उन्हें वाइस चांसलर बनाते, उन्हें बड़े बड़े पदों पर रखते, लेकिन उन्हें केवल दंगा कराने में इस्तेमाल किया उन्होंने। केशव प्रसाद मौर्य पॉलिटिकल सिंबल हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सिंबल हैं कि हिंदू बनने के बाद भी, आरएसएस के तृतीय वर्ष दीक्षित होने के बाद भी बड़े पद पर नहीं गए। तो आखिर में मेरा मानना यह है कि ऐसा कोई नरेशन नहीं है। हाँ, हो ये रहा है कि जो हिंदुआइजेशन के कोर में जो नफरत भरी गई है वह बहुत रूट में चली गई है। मैं ये मानता हूं कि यह बहुत नुकसान कर रही है देश को, मगर कभी भी ये जाति को तोड़ ही नहीं पाए, न तब और न अब। लक्ष्मण जी अभी बीजेपी बीजेपी ये भी कहती थी कि हमने तो शिवराज सिंह चौहान को भी एक पिछड़े हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया और लगातार और पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री है, अब क्या चाहिए? हाँ, इसी इसी वाले बिंदु पर मैं जवाब भी एक छोटा सा जवाब देना चाह रहा था। जो भी भारतीय समाजशास्त्रीय सांस्कृतिक आंदोलनों को जानता समझता है वो कम से कम इस बात की गहराई को महसूस करता है जिसकी एक एक वानगी शीतल जी पेश कर रहे थे। जातियों का विभाजन ही आर्थिक और सामाजिक आधार पर है, जिसे सांस्कृतिक आधार पर वैधता दी गई। डॉक्टर अंबेडकर से लेके डॉक्टर लोहिया को हम पढ़े तो यही चीज है, और उसको आज आप दूर करना चाहते हैं केवल हिंदुत्व के फ्रेम में अदृश्य करके। जाति एक ऐसी हकीकत है जो अगर सामाजिक और आर्थिक बुनियाद पर रची गई है तो वह धार्मिक आधार पर अदृश्य नहीं हो सकती। इसीलिए जब आप राजनीति जाति की मजबूत हुई है तो नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। रविदास मंदिर में जाके झाल बजा रहे हैं, लेकिन रविदास मंदिर को ध्वस्त करने और बेगमपुरा का खाब उनके विचार में नहीं है। कहना मेरा यह है कि सिंबॉलिक रूप से आप पिछड़े लोगों को 27 कैबिनेट में रख दिए, 12 दलितों को रख दिए, होर्डिंग लगा के बता रहे हैं, अपनी जाति खुद बताया, राष्ट्रपति कोविंद की जाति खुद बताई, कोई पूछा नहीं था। लेकिन जातिवादी बीजेपी नहीं होगी, जातिवादी वो लोग हैं जो जाति का की बराबरी की बात करते हैं। यानी ये जो सिंबोलिज्म है यह फेक एंड वेग है, वैसे जैसे हिंदुत्व है। आप एक व्यक्ति को थावरचंद गहलोत बनाकर रखते हैं और उसी के हाथ से 13 पॉइंट रोस्टर के पक्ष में बात कराते हैं। न्याय और नीति आपकी सामाजिक न्याय विरोधी है, और सिंबल आप खड़ा करते हैं कि हम तो देखिए सामाजिक न्याय के मानने वाले हैं। तो
अति का विमर्श अभी छलावे में नहीं रहेगा कि प्रतीक रूप से आप किसी को आगे रख दें और नीतियों में आप उसके खिलाफ जाएं। और अभी ठीक बात इन्होंने कही 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। मैं एक आंकड़ा आखिरी दे देता हूं आशुतोष जी, 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्रोफेसर जीरो थे, 2018 में 596 कुलपति थे जिनमें से 36 ओबीसी, 6 शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब, बाकी 550 अपर कास्ट थे जिनमें से तकरीबन 500 ब्राह्मण थे। ये जो जातिवाद है इसके खिलाफ कभी पॉलिसी मेकिंग नहीं की गई, अब केवल अपने चेहरे और अपनी छवि को बचाने के लिए गिनवाया जा रहा है कि देखिए हमारे यहाँ ये ओबीसी है, ये है। पॉलिसी सोशल जस्टिस के खिलाफ हो रही है, यह बात अब सब लोग समझ गए, इसलिए वो आपके छलावे में नहीं है।